हम इस समय जौनपुर जनपद के नवसृजित नगर पंचायत रामपुर वार्ड नंबर 8 पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमें जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश कुमार यादव जी मिले हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या है इनका मुद्दा और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कमलेश जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या है मुद्दा आपका, किन मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच है कि नगरवासियों के लिए आप क्या देंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं, क्या क्या नगर में समस्या है, यह सब आपको मालूम है, जरा बताइए दर्शकों को। अगर हमारे नगर में जो भी भाई समस्या है, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए और गरीब जनता के लिए जो भी समस्याएं हैं उनका, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की हमारे नगर पंचायत में, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और भी जो भी सारी सुविधाएं आती हैं जो उसके जिसके पात्र रहेंगे उनके तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कि अभी नया नगर पंचायत बनाया गया है, पहला यहाँ चुनाव हो रहा है, समस्याएं बहुत हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी अध्यक्ष होगा उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जनता के लिए, आपने एक मुद्दा बताया कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था किया जाएगा, इसके साथ साथ और आप जनता को क्या देंगे? इसके साथ साथ और जनता की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे भाई फंड में जो भी सब जनता के लिए आएगा वो सब जन जन तक पहुंचाया जाएगा जो जिसके पात्र होंगे। क्या आपको विश्वास है कि यहाँ आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चुनाव जीतेंगे? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है। यहाँ से कांग्रेस जो है लोगों का समर्थन इतना अच्छा दिख रहा है कि यहाँ से पंजा जीतेगा। यह है कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश कुमार यादव जी। इनका कहना है कि मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हाथ का पंजा लहराएगा। धन्यवाद। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद कमलेश भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद।